हाँ बच्चों, तो अब क्वेश्चन बना रहा है और सबसे पहला जो क्वेश्चन उठा रहा है, हम क्यों ना क्वेश्चन नंबर टू से ही शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर कैपिटल वेस्टिंग ये पहला है ना, तो पेज नंबर वन ले लो भाई। लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाओगे तो 1,20,000 जा रहा है, ठीक है, पर प्रोजेक्ट बी में लगाओगे तो 1,80,000 जा रहा है। बोथ एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड अ कैश फ्लो फॉर 5 years। ए में लगाओगे तो हर साल आएगा 40,000 5 साल तक। बी में लगाओगे तो हर साल आएगा 58,000 पर ईयर, ये भी 5 साल लाइफ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा 10%। शो विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनपीवी और आईआर। एनपीवी और आईआरआर निकालना। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, और एनपीवी मतलब पता है ना बेटे? हाँ सर, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, पीवीसी। बताओ हर साल कितना आएगा। प्रोजेक्ट ए की बात करता हूँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए, हर साल आएगा 40,000 पर एनम। पीवीएफ लेना पड़ेगा कितना परसेंट, 10%, कितने साल, 5 साल, और माइनस क्या हो जाएगा, 1,20,000। इसी तरह से किसका निकाल लेंगे, प्रोजेक्ट बी एनपीवी हर साल कितना आएगा, 58,000। ये भी क्या लेना पड़ेगा आपको, पीवीएफ कितने परसेंट, 10%, कितने इयर्स का, 5 इयर्स का, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 1,80,000। तो बचपन में खूब किया आप लोगों ने, तो 1/1.10 1 2 3 4 5 जीटी, तो ये ले लेते हैं 3.7908, और यहां भी आ जाएगा 3.7908, तो एनपी भी आ जाएगा 40,000 × 3.7908 − 1,20,000, तो यहां एनपीवी आ गया बेटे 31,632। और यहां एनपीवी देख लेते, 58,000 × 3.7908 − 1,80,000, 39,866। बताइए एनपीवी के हिसाब से विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सर, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि इसमें एनपीवी जाता है। तो अगर मैं एनपीवी के हिसाब से डिसीजन लूं तो आ जाएगा प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड, क्यों, ड्यू टू हायर एनपीवी। अब बात है आईआरआर की, कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो सबसे पहले सब प्रोजेक्ट ए का ही कर लेते हैं। हाँ जी, प्रोजेक्ट ए। अब एक बात बताइए बेटे, 10% पर एनपीवी पॉजिटिव है। आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जिसपे एनपीवी जीरो होना चाहिए। अगर मुझे एनपीवी इससे कम लाना है तो रेट ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना रेट लिया जाए, 10% से ज्यादा, एक बार 15% से ट्रायल मार के देखते हैं। याद रखना, या तो जीरो आ जाए या तो नेगेटिव हो जाए। एक बार 15% से देख लेता हूं, 1/1.15, 1 2 3 4 5 जीटी इंटू 40,000 − 1,20,000,
15% पे आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 14086। एक बार 20% पे भी ट्रायल मार दो। 1 / 1.20, 1, 2, 3, 4, 5 GT into 40,000 माइनस 1,20,000। हाँ, नेगेटिव आ गया, 20% पे आ गया नेगेटिव 376। अब इंटरपोलेशन कर लेते हैं, इंटरपोलेट 15% पर एनपीवी आ रहा है 14086, 20% पे एनपीवी है -376। मुझे एनपीवी क्या चाहिए? मुझे चाहिए जीरो। तो जैसे ही मैं 5% से एनपीवी बढ़ाता हूं तो एनपीवी में चेंज हो जाता है 14086 प्लस 376, 14462, जबकि मुझे चाहिए 14086। तो IRR इज इक्वल टू 15 तो लगेगा ही लगेगा, हमें कितना चाहिए? 14086, जबकि चेंज कितना हो रहा है? 14462 इंटू 5, 14086 डिवाइडेड बाय 14462 इंटू 5 प्लस 15। तो इसका आंसर आ गया बेटे 19.88%। तो ये था किसका? प्रोजेक्ट एक का। तो यहां लिख देता हूं IRR एक का 19.88%। ऐसे ही किसका निकालेंगे? बी का। सिंपल है, कुछ है नहीं है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट बी का निकाल रहा है। प्रोजेक्ट बी 10% पे पॉजिटिव, एक बार 15% यूज करके देखो क्या। हाँ सर, 15% देख लीजिए। चलो पहले 15% लिख कर देखता हूं। एक तो 15 पे पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। 1 / 1.15, 1, 2, 3, 4, 5 GT इंटू 58,000 माइनस 1,80,000। 15% पे एनपीवी पॉजिटिव है, 1,4424 है तो 4 to 5 ले लेता है। 20% पे भगवान करे नेगेटिव आ जाए। 1 / 1.20, 1, 2, 3, 4, 5 GT इंटू 58,000 माइनस 1,80,000। यस आ गया, नेगेटिव है 6,544। तो जैसे ही मैंने रेट 5% से बढ़ाया, एनपीवी में चेंज हो गया 1,4425। ये आ गया 209,69, जबकि एनपीवी मुझे जीरो चाहिए, मतलब डाउन कितना करवाना? 1,4425। IRR 15 प्लस 14425 डिवाइडेड बाय 209,69 इंटू 5। तो ये आया बेटे 18.44%। ले लो, बता दो बेटे कौन सा अच्छा है? प्रोजेक्ट बी का IRR 18.44%। सर जिसका IRR ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है, तो प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर IRR। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रोजेक्ट में, अगर दो प्रोजेक्ट है तो एनपीवी में, एनपीवी के हिसाब से मशीन भी अच्छी है, प्रोजेक्ट भी अच्छा, लेकिन IRR के हिसाब से प्रोजेक्ट ए अच्छा। अलग अलग आंसर हो सकता है, तो यहां लिख लेते हैं प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर IRR। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 2 पे मिलेगा बेटे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 2 पढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है बेटे, बहुत बड़ा क्वेश्चन, आराम आराम से करना क्वेश्चन, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना, पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। लिखा, स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी रनिंग शूज। इसका मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते, शूज का मैन्युफैक्चरिंग करते, ठीक। मिस डार्जिलिंग President is considering computerizing the company's ordering inventory and billing procedure. हो क्या रहा होगा, पहले मैनुअल वर्क काम, मैनुअल वर्क होता होगा, मतलब बड़े बड़े लोग होते होंगे, लेबर होते होंगे जो काम करते होंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उन क्लर्क को हटाना चाहते हैं, हम जो भी काम करना चाहते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम से करना चाहते हैं। किस किस चीज का काम, ऑर्डरिंग का, इन्वेंट्री मेंटेन का, बिलिंग वगैरह होना था तो पहले मैनुअल काम रहा होता रहा होगा, पर अब कैसे होगा, अब होगा कंप्यूटर के थ्रू। और उन्होंने एस्टिमेट किया दैट द एनुअल, अंडरलाइन करोगे, एनुअल सेविंग्स फ्रॉम कंप्यूटराइजेशन, अगर कंप्यूटर खरीद के हम काम करते हैं तो सेविंग्स होगा किस चीज का, रिडक्शन ऑफ 10 क्लरिकल एम्प्लॉय विथ एनुअल सैलरी ₹15,000। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि हम क्लर्क को हटा देंगे, ठीक है, कंप्यूटर खरीद रहे तो क्लर्क को तो हटाओगे। कितना देते थे सर, बोले 10 क्लर्क को हटा दोगे, एक को देते थे ₹15,000। तो एक बार लिख लू मैं, हाँ, कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन में ना हमेशा लिखते हुए काम करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेविंग्स एनुअल निकाल दो, एक तो क्लर्क हटा दोगे तो उनको देते थे 15,000 और 10 क्लर्क थे तो ₹1,50,000 पर एनम का ये सेविंग्स है। और सेविंग्स किसका है, बोले 8,000 फ्रॉम रिड्यूस प्रोडक्शन डिले कॉस्ट बाय रॉ मटेरियल इन्वेंटरी प्रॉब्लम। बोले पहले मैनुअल वर्क होता था तो वो काम नहीं होता रहा होगा टाइम पर, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल खत्म हो जाता रहा होगा। बोले अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम सेविंग्स कितने का और कर देंगे, बोले सेविंग्स और हो जाएगा 8,000 का और सेविंग्स हो जाएगा। इसके अलावा स्टॉक आउट का प्रॉब्लम हो जाता था, मतलब माल हमारा बन के तैयार ही नहीं होता था, लोग आते थे हमारे पास स्टॉक ही नहीं रहता, तो बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम पर स्टॉक जैसे ही खत्म होगा हम मेंटेन रहेगा हमारे स्टॉक। उसकी वजह से ₹12,000 ये बचा हो गया। चलो भाई ₹12,000 का ये भी फायदा है आपका, और टाइम पर बिल तैयार हो जाएंगे। अगर टाइम पे बिल तैयार हो जाएंगे तो टाइम पे हमें पैसे भी मिल जाएंगे, ₹3,000 पर एनम ये भी बचा रहे। तो टोटल सेविंग्स कितना हो रहा है एक साल का, एक बार देख लेते कैलकुलेट करके, 1,50,000, 8,000, 12,000, 3,000, 1,70,000, 73,000 पर है। आगे लिखा, द परचेज प्राइस ऑफ द सिस्टम 2,00,000 एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50,000। भाई कंप्यूटर खरीदना भी तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। हाँ सर, परचेज कॉस्ट ₹2,00,000 ये और 50,000 ये, तो टोटल मिलाकर 2,50,000 का खर्चा। देखा, दिस आउटले विल बी कैपिटलाइज ऑन SLM बेसिस, ठीक है, SLM से हमें डेप्रिसिएशन लगाना, किस मेथड से, SLM
और सेल्वेज दे रखा है जीरो। देखा जीरो बुक सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू जीरो विच इज आल्सो इट्स मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ फाइव ईयर, मतलब पांच साल बाद बिकेगा भी उतने का जितना हम बता रहे सेल्वेज। ठीक है भाई, मतलब लाइफ कितना साल हो गया, फाइव ईयर्स। ठीक है यहां तक आगे। ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम, अब भाई आपने नया कंप्यूटर खरीदा है तो उसको ऑपरेट तो करवाना पड़ेगा, पर उसके लिए वो आपसे नहीं होने वाला, दो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट चाहिए और जिनको सैलरी देना पड़ेगा 40,000 रुपया पर पर्सन, एनुअल सैलरी है ना। हाँ तो सर ये तो आउटफ्लो हुआ, यही लिख दे। नहीं बेटे नहीं, हर साल का है तो हम यह अलग से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट मीन्स कुछ सैलरी देना पड़ेगा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को 40,000 एक पर्सन को, तो दो पर्सन को कितना देना पड़ेगा 80,000 रुपए पर एनम। इसके अलावा लिखा आल्सो एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस, कैश मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर को चलाने का खर्चा है 12,000 रुपए, ये भी लगेगा। चलो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हर साल भाई कंप्यूटर खरीदोगे तो चलाओगे 12,000 रुपए पर है। टैक्स का रेट है 40%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो देखा जाए तो नेट सेविंग हर साल की कितनी हो रही है, जरा हिसाब किताब कर सकते हैं। 173, 80,000 ये 12,000 ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इतना बचाओगे पर इतना लगेगा भी, तो 173,000 80,000 माइनस 12 81,000 की सेविंग्स हो रही है हर साल, 81,000 पर। इसको CFBT बोल सकते हैं। वन बाय वन देखते क्या क्या मांगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है आज, नेट कैश आउटले का मतलब आउटफ्लो, आज कितना पैसा जा रहा, 2,50,000। सर ये तो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट वाला तो लिखना ही है बस, प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटले 2,50,000। फाइंड द प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मतलब PAT पैट एंड कैश फ्लो मतलब CFAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड CFAT। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड CFAT, तो यहां से लिखना पड़ेगा, हालांकि ये लिखा हुआ है, मैं सीधा सीधा टोटल सेविंग्स लिख रहा हूं। 173,000 माइनस सैलरी दे रहा हूं कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को 80,000 रुपए, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 12,000। जो नाम आएगा उसका नाम क्या रहेगा, CFBT कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसको मैं बोल सकता हूँ CFBT। सर इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। मशीन का कॉस्ट कितना है, 2,50,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा बेटे, SLM मेथड है ना। सर सैलरीज तो जीरो है, बिल्कुल डिवाइडेड बाय 5 50,000, तो ये आ गया आपका PBT 31,000 माइनस क्या हो जाएगा टैक्स, टैक्स का रेट कितना दिया 40%,
12,000 मैं पैट निकाल रहा हूँ, तो मैं सीधा सीएफटी निकाल सकता था 18,600 प्लस क्या करना पड़ेगा वापस डेप्रिसिएशन 50,000 तो ये आ गया 68,600 दिस इज सी पर है। सोच के बताना टर्मिनल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। सर सैलवेज जीरो है बिल्कुल, और डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड है तो लास्ट में बुक वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। हाँ जी अगर ऐसे है तो इसका मतलब सर कोई कैपिटल गेन वगैरह कुछ नहीं, जीरो आएगा सर। बिल्कुल सही, आप ज्यादा दिक्कत हो तो निकाल के देखे ना। पॉइंट नंबर ए और बी हो गए, सी में क्या बोल रहा है? इवेलुएट द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड। एनपीवी तो हमको आता, इवेलुएट बोल रहा है मतलब इवेलुएट का मतलब क्या हो गया, मतलब बताइए क्या हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, हमको क्या करना, कैलकुलेशन ऑफ एनपी। और एनपीवी कैसे निकाला जाता है, पीवीसीआई माइनस पीवीसी 68,600 मल्टीप्लाई PVAF कितना परसेंट, 12% का फैक्टर। सुनो फैक्टर बुक में दिया हुआ है नीचे, हाँ सर दिया हुआ 12% 5 का दिया हुआ 3.605 और माइनस क्या करोगे 2,50,000 सिंपल। एनपीवी नेगेटिव आ गया 2,697। बताओ बेटा एक्सेप्ट के रिजेक्ट, रिजेक्ट प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्टेड, ड्यू टू नेगेटिव एनपी। तो भाई पॉइंट नंबर ए बी सी हो गया, डी में क्या बोल रहा है, पीआई निकालना। पीआई तो हमको निकालना आता है, इसको हटा दो। नंबर डी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। और पीआई कैसे निकालते हैं, पीआई का फॉर्मूला होता है पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसी। सर पीवीसीआई कितना, ये है बेटे पीवीसीआई है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 68,600 इंटू 3.605 ये आ गए 247,303 डिवाइडेड बाय 2,50,000 तो ये आ गए 0.989। क्या प्रोजेक्ट करोगे, नहीं, क्यों, पीआई 1 से कम है। Since PI is less than 1, hence project should not be accepted. तो ये भी हो गया, आगे क्या मांग रहा है, आगे मांग रहा है शायद आपसे पे बैक पीरियड। पॉइंट नंबर ई पे बैक पीरियड तो हमको आता है, बच्चों वाला काम है पे बैक पीरियड निकालना। ई पे बैक पीरियड
हर साल एक जैसा कैश फ्लो आएगा और कितना रिकवर करना है, 2.5 लाख। तो सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कितना रिकवर करना है, 2,50,000, हर साल कितना आएगा, 68,600। आंसर आ गया 3.644 ईयर्स। इसका मतलब है कि आपने जो 2.5 लाख रुपया लगाया है, हर साल कितना आएगा, 68,600, तो कितने ईयर्स में रिकवर हो जाएगा, 3.644 ईयर्स। पे बैक पीरियड हमारे सिलेबस में नहीं आता है तो ज्यादा टेंशन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पे बैक पीरियड के हिसाब से ऑफर प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर वैसे तो 5 साल लाइफ है। हाँ बेटे, पहली बात वो बताएगा क्वेश्चन में कि हमको 4 साल में चाहिए भैया रिकवरी और 3 साल में रिकवरी मर ली, तो करना चाहिए। स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड बता देगा कि हमको कितने साल में रिकवरी चाहिए। इसमें देखो इवेल्युएट शब्द नहीं लिखा है, इसमें लिखा कैलकुलेट डिस्काउंट, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, चेक कर लो चाहो तो। लिखा है कैलकुलेट, और बाकी सब में क्या लिखा था, इवेल्युएट, फिर क्या लिखा है, कैलकुलेट। तो बस कैलकुलेट करके देना है, छोड़ देना। अब पॉइंट नंबर एफ इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर एफ, अलग अलग सिचुएशन से क्वेश्चन है, जरा पढ़ते पॉइंट नंबर एफ में क्या लिखा। फाइंड द प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड एनपीवी पार्ट ए थ्रू पार्ट सी। मतलब ए में क्या था, क्या निकाला था हमने, इनिशियल कैश आउटफ्लो, बी सीएफएटी, सी एनपीवी, फिर से निकालिए, ठीक है। Assuming that system can be sold for ₹25,000 at the end of 5 years, बोले जो सिस्टम है ना 25,000 का बिकेगा 5 साल बाद पक्का, even though the book salvage value will be zero, मतलब salvage value depreciation के purpose से जीरो ही लेना। अब सोचते कहां कहां चेंज होगा, क्या बोल रहा है ठीक से समझ में आया? जो मशीन है जब हम depreciation चार्ज करेंगे तो salvage value जीरो ही लेना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो हमने टैक्स के हिसाब से कर लिया, टैक्स के कैलकुलेशन के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मशीनरी बिकेगी नहीं, 5 साल बाद 25,000 के बिक जाएगी। कहां कहां चेंज होगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, 2.5 लाख ही रहेगा, सोच समझ के बोलना। सीएफएटी में चेंज होगा कि नहीं? सीएफएटी सर डेप्रिसिएशन वही रहेगा ना, हाँ बाकी सब नहीं होगा सर, उतना ही आएगा 60। टर्मिनल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? अब आएगा, और उस पर कैपिटल गेन भी आएगा, बस वही एक चीज है, और एनपीवी में तो चेंज हो नहीं होना, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूं अच्छे से, यस इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, कितना, 2,50,000, सीएफएटी उतना ही रहेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बस नई चीज क्या आ जाएगी, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू बताओ बेटे कितने में बेचोगे, सेल्स कंसिडरेशन, सर हम बेचेंगे 25,000, पर चेक कर लेते कहीं कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं लग रहा है, मशीन बेचोगे कितने में, 25,000, 5 साल बाद, और 5 साल बाद इसकी बुक वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो गेन हो गए कैपिटल गेन, और इस पर टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट, 40%, 25,000 का 40%, 10,000 टैक्स देना पड़ेगा, तो नेट मेरे हाथ में कितना बचेगा, 15,000, जैसे टर्मिनल वैल्यू। अच्छा सर ये बात है, हाँ बेटे एनपीवी निकाल ले, यस सर। अब याद रखना 5वें साल में टर्मिनल वैल्यू भी है, एनपीवी हर साल कितना आएगा, 6800 नहीं 6800 है,
12% 5 साल का प्लस ये 15,000 में मिलेगा, 15,000 इंटू यहां क्या आएगा, यहां आएगा पीवीएफ 12% 5 साल का, ठीक है, माइनस 2,50,000 और ये तो मालूम है 3.605। बुक में चेक करो, 5वें साल का फैक्टर दिया है क्या, यस 0.56 है। तो 68,600 इंटू 3.605, 15,000 इंटू 0.567 माइनस 2,50,000 एनपीवी आ गया 5,808। ये था पॉइंट नंबर एफ। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो बचा हुआ है जी। जी अब जी में क्या लिखा, चलो ये भी देख लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड एनपीवी, फिर से पार्ट नंबर ए बी सी करना है। एज्यूमिंग दैट, अच्छे से पढ़ना अच्छे से, द बुक सॉल्वेज वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन पर्पस इज 20,000। बोले डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सॉल्वेज वैल्यू 20,000 लीजिएगा, इवन दो तो मशीन इज वर्थलेस इन टर्म ऑफ इट्स रिसेल वैल्यू। बोले डेप्रिसिएशन के लिए 20,000 रिसेल वैल्यू ले लीजिए सॉल्वेज, लेकिन सुनो 5 साल बाद कुछ भी नहीं बिकना है, वर्थलेस हो जाएगी। सोच के देखते हैं क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्या सीएफएटी में कोई फर्क पड़ेगा, हां, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू का देख लेंगे, एनपीवी में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एफ, तो सबसे पहले क्या जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू लैख 50,000 सीएफएटी में फर्क पड़ेगा भाई। सर सीएफबीटी से स्टार्ट करते हैं, यस सीएफबीटी कितना आया था 81,000 माइनस क्या करना है डेप्रिसिएशन। अब सुनो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 2,50,000। अब यहां आपको सैलरीज लेना है 20,000 और डिवाइड किसे करोगे 5। तो यहां डेप्रिसिएशन आ गया 46,000। तो ये जो आ गया, ये आ गया पीबीटी 35,000। क्या देख रहे हैं टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स का 40%, 14,000। तो सीएफबीटी को 1 मान लेते हैं, टैक्स को 2 मान लेते हैं, तो सीधा सीएफएटी लिख देते हैं, 81,000 माइनस 14,000 67,000। एक बात और देख लेते, टर्मिनल वैल्यू। सर टर्मिनल वैल्यू सेल कंसिडरेशन तो जीरो आएगा ना, क्योंकि मशीन तो 5 साल बाद जीरो की, हाँ बेटे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ देखते हैं सेल कंसिडरेशन, तो बात ही खत्म करता हूं। क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, मशीन कितने की बिकेगी, जीरो, जबकि लास्ट में बुक वैल्यू कितनी बचेगी। सुनो बुक वैल्यू निकालना आता है, मशीन की कॉस्ट कितनी, बुक वैल्यू बेटे अच्छे से समझ लो, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, मशीन की कॉस्ट कितनी है 2,50,000, इसमें हर साल का 46,000 डेप्रिसिएशन माइनस होगा 5 साल तक। तो जब 46 माइनस कर दोगे 5 साल तक, तो बताओ कितना बचेगा। सर ये तो 20,000 ही बचेगा बुक वैल्यू, यस।
तो मशीन बिकेगी तो नहीं, पर 20,000 बुक वैल्यू है, तो ये कैप टैक्स सेविंग्स हो गया। टैक्स सेविंग्स कितना परसेंट? कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस पे टैक्स सेविंग्स लेना पड़ेगा। कितना परसेंट? 40%। तो 20,000 इंटू 40% 8,000 रुपए का टैक्स सेविंग्स। तो टर्मिनल वैल्यू देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 8,000। बस इसमें जो खास बात है ना, क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया ताकि आप टर्मिनल वैल्यू समझ लीजिए अच्छे से। तो अब क्या निकल ले? एनपीवी हर साल कितना? 67,000। पीवीएफ कितने परसेंट था? 12%। पास सौ फैक्टर साइड लिखा हुआ 3.605 प्लस लास्ट में और कितना आएगा? 8,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा। 12% 500 नाराजी है 0.56 है। माइनस 2,50,000 तो 67,000 इंटू 3.605 8,000 इंटू 0.567 माइनस 2,50,000 67,000 इंटू 3.605 एम प्लस 8,000 इंटू 0.567 एम प्लस एमआरसी माइनस 2,50,000 तो ये एनपीवी नेगेटिव आ गया 3,929। बस तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा पेज नंबर 1 पे। बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 1। लिखा है टेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉकेट वीडियो गेम्स। पॉकेट वीडियो गेम्स बना रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 600 लाख का एंड वर्किंग कैपिटल लगेगा 150 लाख। वर्किंग कैपिटल हमारी एजम्पशन है शुरू में लगेगा और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो रियलाइज हो जाता है। कैपेसिटी है 12 लाख यूनिट्स फुल कैपेसिटी, पर जरूरी नहीं है कि जितनी कैपेसिटी है उतना ही प्रोडक्शन होता। फुल कैपेसिटी है 12 लाख यूनिट्स। यूटिलाइजेशन दे रखा है नीचे। फर्स्ट ईयर में 33.13%, इसको आप 33.33% भी बोल सकते हैं या 1/3 भी बोल सकते हैं, इतना मैथ तो हमको आता है। सेकंड ईयर में 66.67%, 2/3 बोल दे सर, हाँ तो भी चलेगा। थर्ड ईयर में 90% और जो 4, 5 और 6वां साल में, चौथा 5वां और 6वां साल 100% यूटिलाइजेशन है। आगे लिखा दी एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 200। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है। सेलिंग प्राइस बता दिया, सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपए। और कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा? कंट्रीब्यूशन दे रखा 40%, तो 200 रुपए का 40% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 80 रुपए कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे। एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी ₹480 लाख पर एनम फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड। 480 लाख फिक्स कॉस्ट है कब से? थर्ड ईयर और उसके बाद से। तो भाई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में क्या? तो बोला फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इट वुड बी ₹240 लाख एंड 360 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 33.33% ऑन द कैपिटल एसेट। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, कुछ नहीं बोला SLM या WDV, तो हमेशा एज्यूम क्या करेंगे? WDV। द रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 लाख वुड बी रिक्वायर्ड फॉर। सुनो सुनो सुनो,
वर्किंग कैपिटल 150 लाख, 150 लाख तो शुरू में लगा, इसके अलावा 100 लाख का और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, और कब है, थर्ड ईयर के एंड। डिस्काउंटिंग रेट है 15% और फैक्टर दिया हुआ है। टर्मिनल वैल्यू फॉर फिक्स एसेट, ये टर्मिनल वैल्यू नहीं, सैलवेज वैल्यू फॉर द फिक्स एसेट मे बी टेकन एट 10% एंड फॉर द करंट एसेट एट 100%। वैसे वो टर्मिनल वैल्यू बोला है लिखा, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स हमको देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन जो है मे बी राउंडेड ऑफ 2 लाख ऑफ रुपीज में करना है। You are required to indicate whether the proposal is viable, giving your working notes and analysis. सीधी सी बात है, CFAT निकालना, आंसर निकालना। Calculation of CFAT. कितने साल का प्रोजेक्ट दिख रहा है? 6 साल। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 प्रोडक्शन देख ले एक बार। ये जो चलेगा सबके सब रुपीस इन लैक्स में चलेगा, तो सबसे पहले 12 लाख का 1/3, 12 लाख फुल कैपेसिटी है, 12 लाख यूनिट्स फुल कैपेसिटी है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 3, 4 लाख यूनिट, 12 इंटू 2 बाय 3, 8 लाख, 66.67% भी कर सकते, 90%, 12 इंटू 90%, 10.8, और फिर 12 लाख, फिर 12 लाख, और फिर 12 लाख, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया यूनिट्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। क्या सीधा कंट्रीब्यूशन निकाल ले? हाँ सर, सीधा निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितना? 80 रुपए निकल गया था, 200 रुपए सेलिंग प्राइस है, 40% कंट्रीब्यूशन। तो चलो काम करते, 4 80 into 4 320 lakhs, 640 lakhs, 864 lakhs, 960 lakhs, 960 lakhs, 96। ये प्रोडक्शन हमारे काम का नहीं है, ये यूनिट्स में था, उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया। कंट्रीब्यूशन के बाद इसमें से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट, पहले साल 240 लाख, और उसके बाद है 360 लाख, और उसके बाद बेटे 480 लाख, 480 and 480। अब जो आएगा उसका नाम दे सकते हैं हम CFBT, 80 लाख, 280 lakhs, 384, 480, 480 and 480। अभी क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा दिखाई दे रहा है? सर डेप्रिसिएशन का जो मेथड है ना वो है WDV। किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन लगेगा 600 लाख का, कितना? 33.33%, 600 into 33.33%, 200 माइनस 33.33%, ऐसा कर लेते, 200 आ गया, 1/3 डेप्रिसिएशन, 2/3, 200, 133 रुपीज इन लैक्स में है, 89 59 ले लेते, 39.5 तो 39 ले लेते, राउंडेड ऑफ करना है रुपीज इन लैक्स में, इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ,
ठीक है सर। अभी क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो माइनस में आ गया 120, 295, 421, 441, 454। अभी क्या माइनस करेंगे, अब लिख देते हैं टैक्स, और टैक्स का रेट कितना दिया हुआ, टैक्स का रेट 50%। तो सुनो बेटे, यहां लॉस है तो यहां टैक्स सेविंग होगा, यहां 60 लिख देता हूं, 147 इंटू 50% 74 भी लिख सकते हैं, 295 इंटू 50% 147, इसको 148 कर देता हूं, इसको बड़ा कर लेता हूं, 421 इंटू 50% 210, एक कम कर दिया, 441 इंटू 50% 220, 221 कर लेते हैं, 454 इंटू 50% और ये ले लिया 227, ये आ गया टैक्स। अब एक काम करते, सीएफबीटी को मानते हैं 1, टैक्स को मानते हैं 2, तो सीधा किया जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 80, ये प्लस होगा बेटे, माइनस माइनस प्लस होगा, सुनना ध्यान से, 1 माइनस 2, सीएफबीटी कैसे आता है, 1 माइनस 2 तो 1, माइनस माइनस 60 तो माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्चुअल ऐसा है कि भाई ये पैसा तो आएगा साथ में, टैक्स सेविंग्स भी तो हो रहा है लॉस पे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां कितना आ जाएगा 140, 280 माइनस 140, 284 माइनस 148, 236, 480 माइनस 210, 270, 480 माइनus 221, 259, and 480 माइनus 227, 253. That's it. This is CF80. अब सीधा क्या करें, NPV निकाले, NPV के लिए ना मैं टेबल बना रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ NPV, एक ये कॉलम, एक कॉलम ये, एक ये और एक ये, ठीक है, यहां क्या आता है ईयर, यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां अमाउंट और यहां प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, सबसे पहले ए कैश आउटफ्लोस, और कैश आउटफ्लो में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पैसा कब जा रहा है, आज 600 लाख, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज करना है, तो डिस्काउंटिंग रेट हमको यूज करना है 15%, और फैक्टर दिया हुआ, ज्यादा दिमाग मत चलाना, फैक्टर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा आज ही लग रहा है वर्किंग कैपिटल 0, कितना है बेटे वर्किंग कैपिटल आज जो लग रहा है 150 लाख, इसके अलावा और लग रहा है एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये लग रहा है थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर का फैक्टर दिया 0.658, और ये लग रहा है 100 ही लग रहा है ना भाई, हाँ 100, तो इसको राउंड ऑफ करके 66 लिख देंगे, बात खत्म। तो देखते कितना पैसा लग रहा है, 600 प्लस 150 प्लस 66 टोटल आ गया 816। अब क्या जाएगा, बी कैश इनफ्लोस,
और सबसे पहले आपने क्या निकाला, सी एफ ए टी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. पहले साल का 140, 207, 236, 270, 259 and 253. फैक्टर भी लिख ही देता हूं, फैक्टर दिया हुआ है तो उठाकर लिखना है. 869, 756, 658, 0.571, 0.497 and 0.432. So 140 into 0.869. तो ये 122 ले रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है. 207 इंटू 0.756, 156, 236 इंटू 0.658, 155, 270 इंटू 0.571, 154, 259 इंटू 0.497, 129 एंड 253 into 0.432, 109. अब एक ही चीज बची हुई है, क्या बची हुई है, टर्मिनल वैल्यू. कौन सी ईयर में, सिक्स ईयर. चलो जी वो भी निकाल लेते, वर्किंग नोट बना लेते, ज्यादा अच्छा. सर डेप्रिसिएशन निकालते समय सैलवेज वैल्यू माइनस होगा कि नहीं होगा, बेटे नहीं होगा, ये मैंने आपको बता चुका हूं. रेट दिया है तो कभी भी डेप्रिसिएशन निकालते समय सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं होगा. अब हम निकालने जा रहे हैं टर्मिनल वैल्यू. बताओ आज से 6 साल बाद कितने में बिकेगी एसेट. This is sell consideration. 600 लाख का 10% 60 लाख रुपीज इन लैक्स में राउंड ऑफ करना तो बात करते. माइनस क्या आएगा, कैपिटल गेन टैक्स अगर कुछ लगेगा तो. और वो कैसे निकल, 60 लाख की बेचा माइनस 6 साल बाद बुक वैल्यू कितनी थी. तो डब्ल्यूडीवी मेथड है, 600 लाख का सीधा सीधा निकाल दीजिए 66 पॉइंट. आप कैसे करते हो मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं सीधा कर रहा हूं. 2/3 × 600, 1, 2, 3, 4, 5, 52.653, ये आ गया 53. तो 7 लाख का कैपिटल गेन है और उसका टैक्स है 50%. तो 60 - 53 × 50%, तो 3. इसको मैं 4 ले लूं चलेगा क्या. हाँ सर ठीक है 4 ले लीजिए. तो ये नेट कितना आ गया 56. दिस इज टर्मिनल वैल्यू, इतने का बेचा इतना टैक्स लग गया. तो टर्मिनल वैल्यू कितना आ गया 56. इसमें और जोड़ दी थी प्लस लास्ट में आपका वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाता. वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड कितना, वर्किंग कैपिटल यार शुरू में 150 ये लगा था और 100 ये, तो टोटल आ गया 250. तो यहां गया 256. तो 256 ये आया, 0.432 ले लेते हैं. तो 256 इंटू 0.432, 110.5911 ले लिया. अब देखते पीवीसीआई कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. 122 + 156 + 155 + 129 + 109 + 111, ये आ गया 782.
122 प्लस 156 प्लस 155 प्लस 154 प्लस 129 प्लस 109 प्लस 111, गलत कैलकुलेशन, ये आ रहा 936। दिस इज पीवीसीओ, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको दे दिया बी। तो एनपीवी कैसे निकालते मालूम है, बी माइनस ए, पीवीसीआई माइनस 936 माइनस 816, 120 के आसपास। दिस इज एनपीवी, एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? यस, एक बार फिर भी कंफर्म कर, यस 123। तो बस लिख देते हैं, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, तो ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं और आपको करना पड़ेगा भाई। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे पर एक बार हो जाएगा ना तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये सब बेसिक क्लासेस। सर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन और बनाते तो सारी बात हमारी खत्म हो जाएगी। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, इस टाइप का एग्जाम्पल किया हुआ, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर वन लिखा, अ कंपनी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर कैश आउटले 1 लाख, 1 लाख रुपया जाएगा, रनिंग एक्सपेंसेस है 35,000 पर ईयर। ऑन द अदर हैंड प्रोजेक्ट बी विल कॉस्ट 1,50,000 एंड रिक्वायर कैश रनिंग एक्सपेंसेस। मतलब सर इसमें पैसा जाने जाने वाला बात है, यस। तो आपको इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मतलब लाइफ अलग अलग है क्या? यस, नहीं दोनों की लाइफ तो एक जैसी, बोथ द प्रोजेक्ट हैव 8 इयर्स लाइफ। प्रोजेक्ट ए हैज रुपीज 4,000 सैलरीज एंड प्रोजेक्ट बी 14,000 सैलरीज। टैक्स का रेट है 50%, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, डेप्रिसिएशन है SLM बैलेंस। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन जिसमें अलग अलग लाइफ है, ताकि मैं इक्विवेलेंट हालांकि समझा चुका हूं पर उस टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं है इजी क्वेश्चन उसके बाद। खैर चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूं, बाकी दो क्वेश्चन है इक्विवेलेंट निकालना वो इजी है। तो एक काम करते क्वेश्चन नंबर वन यही कर लेते, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लिख रहा। क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर वन, सीधा टेबल से काम कर रहा हूं है ना जी सर। स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोस, कितनी मशीन है हमारे पास, 2 मशीन है, 1 2। तो बेटे एक तो आ जाएगा ईयर, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहां आ जाएगा मशीन ए, यहां जाएगा बी, यहां अमाउंट, यहां प्रेजेंट वैल्यू, यहां अमाउंट और यहां प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज करना है? डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है 10%। ठीक है, तो बस कैश आउटफ्लो बेसिस पे काम करना। तो सबसे पहले जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, कब? 0 पीरियड में, 1। मशीन ए पे पैसा कितना जा रहा है? 1 लाख।
एक लाख मशीन बी पे कितना जाएगा, मान लाख 50,000। चलो सर, इसके अलावा रनिंग एक्सपेंसेस, कैश, नेट ऑफ टैक्स कर देता हूं, नेट ऑफ टैक्स, और वो कैसे होता है, वो ऐसा होता है रनिंग एक्सपेंसेस 1 माइनस टैक्स। आपको अच्छे से पता है कि एक्सपेंसेस पे टैक्स सेविंग्स होगा, तो 35,000 है, 50% कर लीजिए उसका सीधा सीधा 17,500, और दोनों की ही लाइफ कितना साल दिया हुआ चेक करो, 8 साल, तो यहां जाएगा 128, और इसका तो आ गया 17,500। अब उसकी बात कर लेते, उसका कैश रनिंग एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है, 20,000 रुपए, तो 20,000 का 50% ये हो गया 10,000 रुपए। फैक्टर दिया नहीं, निकालना पड़ेगा 1 / 1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये फैक्टर हो गया 5.3349, तो 5.3349 into 17,500, तो बेटे ये आ गया 9,3361 ले लेता हूँ, ठीक है, 10,000 into 5.3349, तो ये हुआ 5,3349। उसके अलावा रनिंग एक्सपेंसेस के अलावा टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन लेना है, यस, ये माइनस होगा ही, ओके सर, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, ये भी क्या होगा 1 to 8, फैक्टर क्या आएगा 5.3349। तो अब यहां मुझे डेप्रिसिएशन का काम करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन सबसे पहले प्रोजेक्ट ए, कॉस्ट कितने का है भाई, कॉस्ट प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट है 1,00,000, सैलवेज दे रखा है कि सैलवेज कितने का बिकेगा, 4,000, एसएलएम मेथड है, डिवाइडेड बाय 8, तो और मशीन बी भी यही लिख लेते हैं, मशीन बी की कॉस्ट कितनी है 1,50,000, 8 साल बाद कितने की बिकेगी, सैलवेज 14,000, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 8 साल, तो 1,00,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 12,000 डेप्रिसिएशन है इसका, एंड 1,50,000 माइनस 14,000 डिवाइडेड बाय 8, इसका है 17,000, तो 50% टैक्स सेविंग होगा, 12,000 का 50% 6,000 का टैक्स सेविंग होगा, और 17,000 का 50% यहां टैक्स सेविंग होगा 8,500, 5.3349 into 6,000, तो यहां आ गया 32,009, एंड 8,500 into 5.3349, ये हो गया 4,5,3,4,7 ले लो, ये सर इसे लास्ट में क्या बचा, लास्ट में टर्मिनल वैल्यू कौन से ईयर में आएगा, 8वें साल, फैक्टर 1 / 1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.4665। अब सोचते टर्मिनल वैल्यू के समय, एसएलएम मेथड है, यस, और सेल कितने का होगा 4,000 में, एसएलएम मेथड है और इस फॉर्मूले से तो बुक वैल्यू भी लास्ट में कितना आएगा 4,000 ही आएगा, सर इसका मतलब कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, जी हाँ, तो सीधा क्या 4,000 लिखेंगे, हाँ, और ये पैसा आ रहा है, और ऐसे ही यहां सीधा कितना लिखेंगे 14,000, ये भी पैसा आ रहा है, 4,000 into 0.4665, तो ये आ गया 1,866, एंड 14,000 into 0.4665, ये आ गया 6,531, बस हो गया क्वेश्चन।
1 lakh plus 9,93,61 minus 32,009 minus 1,866. तो ये आ गया 159,486. ये 1,50,000 प्लस 5,3349 माइनस 45,347 माइनस 6,531 15147. ये बताओ कि कॉस्ट किस में कम पड़ा है, कॉस्ट ही पर. हाँ, अगर लाइफ अलग अलग होती तो फिर मुझे पीवीएएफ से डिवाइड करके इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालना पड़ता, पर ऐसी कोई समस्या नहीं. सर इसका कॉस्ट कम है प्रोजेक्ट बी का. यस, तो क्या प्रोजेक्ट बी करना चाहिए? यस, मशीन बी शुड बी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड. क्यों? ड्यू टू लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो अभी आज की क्लास में हमने करीब करीब 4 क्वेश्चन बनाया. यस, 7 किया, सॉरी 2 किया, 7, 3 एंड 1. अब एक काम करो, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी ले लो बेटे, ताकि आप अभी इस क्लास के बात करोगे ना तो ज्यादा अच्छा. होमवर्क होमवर्क मिल गए. तो होमवर्क क्वेश्चन लिखोगे, एक तो करना है क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 9. ठीक है सर, हो जाएगा. इसके अलावा याद रखना इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करना इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 27 भी ले लेना, क्वेश्चन नंबर 27 और ये है पेज नंबर 10, 11 में देख लेना अपने हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 11. 27 के अलावा और कोई क्वेश्चन कर पाओगे क्या? बस आज के लिए सफिशिएंट, बाकी कल मिलते हैं. गुड मॉर्निंग बच्चों. तो भाई होमवर्क हो गया होगा मुझे उम्मीद है. तो चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं. ये क्वेश्चन स्पेशली प्रैक्टिस मैनुअल का है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है. और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. पेज नंबर कौन सा है सर? 11. पिछली क्लास में जो क्वेश्चन बनाया था ना, वैसे ही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो. पढ़े? जी सर. लिखा एक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. सर ये बार बार ऐसा बताता क्यों? एग्जिस्टिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बट कहीं ना कहीं लॉस होगा और लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आपके पास प्रॉफिट होना जरूरी है. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लॉस, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लॉस आया था तो उसको हमने सेट ऑफ किया था. इसी के लिए मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, उसी साल सेट ऑफ करना, इसलिए ये सारी बातें बताता है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. ठीक है जी. एक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट, और लाइफ कितना है? 8 ईयर्स. ठीक है भाई. इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट विल बी 120 लाख. 120 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशियल. और उसके अलावा एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख विल बी नीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के बिगिनिंग में और एक आ रहा. थर्ड ईयर का बिगिनिंग मतलब सेकंड ईयर का एंड का फैक्टर आएगा, ये आपको पता. थर्ड ईयर का बिगिनिंग, सेकंड ईयर का एंड. डेप्रिसिएशन भी थर्ड ईयर से लगाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग. एट सुनो बेटे, जो मशीन आज खरीद रहे हो उस पे तो पहले साल से डेप्रिसिएशन, लेकिन जो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में खरीद रहे उससे उस पे थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन. याद रहे, थर्ड ईयर से दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा. एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स द ओरिजिनल इक्विपमेंट विल बी हैव रिसेल वैल्यू इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ रिमूवल. बोल रहा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसको बेचोगे ना, तो भाई उसको बेचोगे उससे जो पैसा आएगा ना वो उसी के लेबर वेबर में खर्चा हो जाएगा. वो इक्विपमेंट को हटाओगे, उस प्लांट को हटाओगे, हटाना है तो फिर लेबर को बुलाना पड़ेगा, हटाओगे उससे जो पैसा आएगा वो लेबर का पेमेंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं कमाओगे. ठीक है. बट द एडिशनल इक्विपमेंट वुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख. एडिशनल वाला 1 लाख रुपए में बेच सकते हैं.
वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख विल बी नीडेड, कुछ नहीं बोला तो बिगनिंग में लगा होगा। The 100% capacity of the plant 4 lakhs, but the production and sales volume expected are as follows. First year में 20%, second year में 30%, 3 to 5, 75 and 6 to 8 साल का project. Selling price दे रखा 100 रुपए per unit, profit volume ratio आता है contribution निकालने के लिए, तो 100 रुपए का 60% होता है 60 रुपए. Is likely to be obtained. ठीक है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लाइकली टू बी 16 लाख पर एनम, इन एडिशन टू दी, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इनकर्ड एज अंडर, फर्स्ट ईयर में 30 लाख, सेकंड ईयर में 15 लाख, 3 टू 5, 10 लाख ऐसा कर लेंगे. ठीक है, टैक्स का रेट है 50%, डेप्रिसिएशन का मेथड है एसलैम, थैंक गॉड, एंड परमिसिबल फॉर टैक्स पर्पस आल्सो, 12% डिस्काउंटिंग रेट लेना है और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है. प्रैक्टिस में होगा क्वेश्चन. सुनो, मैं ना सीएफएटी बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी, जरा सोचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा अलग अलग ले, या फिर 1, 2, 3, 2, 5, 6, 8 ऐसा ले ले, क्या लगता है सर? एक तो फिक्स कॉस्ट होगा, डेप्रिसिएशन तो एसएलएम मेथड है. हाँ सर, ले सकते, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ले लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा नहीं लेते. ठीक है, ओके, लिखोगे बेटे कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी. One, two, three to five, or six to eight. पेंशन करना. तो सबसे पहले कौन यूनिट्स देख लें. यस, प्रोडक्शन दैट इज यूनिट्स. टोटल यूनिट्स कितना है इसमें? टोटल यूनिट्स 4 लाख, तो 4 लाख का 20% 80,000 यूनिट्स, 4 लाख का 30% 1,20,000 यूनिट्स, 4 लाख का 75% 3 लाख यूनिट्स, और 4 लाख का 50% 2 लाख यूनिट्स. तो अब बात होती है कॉन्ट्रीब्यूशन की, और कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं मैंने पढ़ा था 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशियो है 60%, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 60, मल्टीप्लाई कर देते 60 × 80,000 48 लाख, 1,20,000 72 लाख, 3 लाख 180 लाख, 2 लाख 120 लाख. ठीक है, ये तो 180 का मतलब समझ रहे हो ना, हर साल 180, थर्ड ईयर में 180, फोर्थ ईयर में 180 एंड फिफ्थ ईयर में 180. सर इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, चेक करते दिया है क्या. यस, 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख. फिक्स कॉस्ट के अलावा और क्या दिख रहा है? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में 30 लाख, फिर 15 लाख, और फिर 10 लाख,
ऑफ ए 4 लाख। सर और क्या बचा? और बचा है डेप्रिसिएशन, तो पहले सीएफबीटी निकाल लेते ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी पड़े। यहां जो आएगा उसका नाम रहेगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। 48 माइनस 16 माइनस 30 तो माइनस 2 लाख पॉजिटिव। 72 माइनस 16 माइनस 15 41 लाख। 180 माइनस 16 माइनस 10 154 लाख। एंड 120 माइनस 16 माइनस 4 ही है क्या? 100 लाख। अभी क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। कौन सा? पहले तो बेटे इनिशियल इक्विपमेंट जो शुरू में लग रहा, कितने का लग रहा है बेटे शुरू में? जरा देखो, 120 लाख। तो सैलवेज बताया है कि इसका तो जीरो है, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 सन लाइफ 15 लाख इसका, और किस पे? एडिशनल इक्विपमेंट। कहां से डेप्रिसिएशन लगेगा? थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। सर कितने का है एडिशनल इक्विपमेंट? चेक करो, 10 लाख का। इसका सैलवेज है 1 लाख। अब देखो कहां से डेप्रिसिएशन, 2 साल निकल गया तो 6 साल डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 6 और 9 बाय 6 1.5 लाख डेप्रिसिएशन, 1,50,000। तो पहले डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 15 लाख पहले साल सिर्फ इनिशियल पे, यहां भी 15 लाख, लेकिन यहां से जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 16,50,000 एंड 16,50,000। इतना ही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं। तो अब जो आ गया उसका नाम रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस में आ गया 13 लाख लॉस है, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो सेट ऑफ होगा, मतलब इस पर सीधा सीधा टैक्स में हो जाएगा। ये 41 माइनस 15 26 लाख। 154 माइनस 16.5 137,50,000 एंड 100 माइनस 16.5 83,50,000। ठीक है यहां तक? सर ठीक है। अब क्या है? टैक्स, और टैक्स का रेट हमने कितना लिया था? टैक्स का रेट 50%, तो 13 लाख का 50% 6,50,000। ये टैक्स सेविंग हुआ है, ब्रैकेट में ना टैक्स सेविंग है। 26 का 50% 13 लाख 137,50,000 का 50% 68,75,000 83,50,000 का 50% 41,75,000 CFBT को लिया मैंने 1, टैक्स को लिया 2, तो सीधा आ गया CFAT 1 माइनस 2। 2 लाख की और टैक्स सेविंग ये, तो ये सीधा ले लिया मैंने 8,50,000। यहां आ गए 28 लाख। यहां गए 85 लाख 25,000। और ये आया 58,25,000।
ठीक है सर, यहां तक तो हमारा काम खत्म हो चुका है, बस CFAT निकल गया तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, जल्दी जल्दी से काम कर लेते। कैलकुलेशन ऑफ NPV, टेबल वही जो हम बनाते आ रहे हैं। यहां आ जाएगा ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है? 12%। ठीक, सबसे पहले बेटे हम लिखते हैं कैश आउटफ्लोस। कैश आउटफ्लो में सबसे पहले कैश आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इनिशियल इक्विपमेंट, इनिशियल इक्विपमेंट 0 PJ 120 lakhs, 120 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और क्या लगेगा? एडिशनल इक्विपमेंट, ये थर्ड ईयर के बिगिनिंग बोला है तो सेकंड ईयर का एंड लेना पड़ेगा। और कितने का लगा रहे हो हम? 10 लाख का ये ले लिया। वन डिवाइडेड 1.12, एक तो फैक्टर आएगा 0.79, 72 ले लो। ओके, तो 10 लाख इंटू 0.79 72, तो ये पैसा गया 797 200। कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था क्या? हाँ, 15 लाख। तो और क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल कब लगेगा? 0, कुछ ना बोला है तो 0। कितना लग रहा भाई वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहाँ दिया है यार? 15 लाख। तो ये आ गया 15 लाख। दैट्स इट, चलो काम कर लेते। 120 लाख प्लस 797 200 प्लस 15 लाख, तो ये आ गया 1,42,97,200। अब बात हो जाएगी कैश इनफ्लोस की। कैश इनफ्लोस में सबसे पहले किया जाएगा बेटे CFAT, 1, 2, 3 to 5 and 6 to 8। यहां कितना पैसा आ रहा? 8,50,000। यहां कितना आ रहा? 28 lakhs। यहां 85,25,000 and 58,25,000। बस फैक्टर्स थोड़ा सोच समझ के करना। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फर्स्ट ईयर का फैक्टर तो ये हो गया 0.8929 लेता, सेकंड ईयर का ये हो गया 0.7972। अब 3 to 5 का कैसे लिखना है? तो देखो, फर्स्ट सेकंड ईयर का हो गया, ये थर्ड ईयर का एम प्लस, फोर्थ ईयर का एम प्लस, फिफ्थ ईयर का एम प्लस MRC। तो यहां आ गया 3, 4, 5 का लेना बस, 1.9147। सर 6 to 8 का कैसे लोगे जरा ये बताओ? कुछ नहीं करना, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू एक बार 1, 2, 3, 4,
फिर से 1 डिवाइडेड 1.12, 1, 2, 3, 4, 5 ये हटा दिया, 5 साल का, 6m+7m+8m+ कहता ये आ गया 1.362, 9 ले लूं, ठीक है, 850,000 इनटू 0.8929 तो ये आ गया 758965, 28 lakhs इनटू 0.7972, 22 32 160, 852,000 इनटू 1.9147, 16 322 817 एंड 58,25,000 इनटू 1.3629 7938892 अब बचा क्या? अब बचा सर टर्मिनल वैल्यू। सर टर्मिनल वैल्यू तो 1 लाख ही होगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एसएलएम मेथड है और फॉर्मूले से आपने निकाला डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख ही आएगा। तो सीधी सीधी बात है, 1 लाख वो, क्योंकि कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल का 15 लाख ही है, तो टोटल मिलाकर हमको 16 लाख और मिल जाएगा, 8th ईयर में मिलेगा। 1 डिवाइड 1.12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये जाएगा 0.4039 इनटू 16 लाख तो ये हो गया 646240 758965 प्लस 2232160 प्लस 16322817 प्लस 792 प्लस 646240 तो ये आ गया 2789904 This is total of B. तो NPV कैसे निकलता है? B माइनस A माइनस आउटफ्लो को माइनस कर देते 142,97,200 तो NPV आ गया 1360,1874 ठीक है। अब बताओ कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? आंसर लिख देते हैं, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक होगा, ठीक है। इसके बाद उठाते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेसिक में ना बेटे बस बहुत हो चुका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बेसिक खत्म हो जाएगा, अगली क्लास से हम रिप्लेसमेंट करेंगे ज्यादा अच्छा। ये भी प्रैक्टिस में हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर 12 पढ़े जी। जी सर, लिखा डीएल सर्विसेज इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग होम सर्विसेज लाइक प्लंबिंग, सेवरेजेस, सेवरेज लाइन क्लीनिंग एक्सेट्रा। ठीक है भाई, ये होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। There is a proposal before the company to purchase a mechanized sewerage cleaning line for a sum of rupees 20 lakhs. पहले जो क्लीनिंग का काम हो रहा था ना, सेवरेज वगैरह का, ये हो सकता मैनुअल वर्क होता रहा होगा, अब हम
उस मशीन के थ्रू, मैकेनिकल कुछ मशीन है और उस मशीन के थ्रू ये काम करने वाले, क्लीन करने का काम, और उसमें पैसा कितना लग रहा है, उसमें लग रहा 20 लाख रुपए। लाइफ है 10 साल। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द कंपनी इज टू यूज मैनुअल लेबर फॉर द जॉब। प्रेजेंट सिस्टम में आप मैनुअल लेबर से काम करवा रहे थे। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ मशीन है 20 लाख, ठीक है भाई। डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, SLM मेथड ओके है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 5 लाख पर एनम, मशीन को ऑपरेट करना पड़ेगा, उसका 5 लाख पर एनम लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट सिस्टम मैनुअल लेबर 200 लोग थे जो काम करते थे और हर एक को 10,000 रुपए देना पड़ता था पर पर्सन पर एनम। तो अब ये लेबर का खर्चा बच जाएगा हमारा, और क्या है। हाँ, 5 लाख एक्स्ट्रा भी तो खर्चा है, देख लेंगे वो CF80 निकाल लेंगे। द कंपनी हैज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड है 10%, एप्लीकेबल टैक्स इंक्लूडेड ऑफ सरचार्ज एंड सेस 35%। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन बताइए कि मशीनरी परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेविंग्स या फिर एडिशनल कॉस्ट जो भी होता है वो निकालना अगर मशीन परचेस करे तो। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ CF80। सेविंग्स किसमें पेमेंट हो रहा है, सेविंग इन लेबर पेमेंट। कितने लेबर थे भाई, 200, और एक एक को एक एक साल का कितना बन रहा था, 10,000। सर रुपीज इन लैक्स में करेंगे ये क्वेश्चन? हाँ, उसको मैं लैक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जो क्वेश्चन है वो होगा रुपीज इन लैक्स। तो 200 × 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 20 लैक्स पर, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन हर साल का है ना यार खर्च, 5 लाख। तो ये क्या आ गया, CFBT 15 लाख। माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन बताओ मशीन कितने की है, 20 लाख। कुछ सैलवेज दे रखा है, सैलवेज तो दिख नहीं रहा मैं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लूं भाई, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है बात। 20 लाख रुपए की मशीन है, 10 साल लाइफ है और कुछ सैलवेज का कोई भी चक्कर नहीं है। वाह क्या कितना प्यारा क्वेश्चन, सीधा सीधा डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 10। तो ये आ गया 2 लाख। तो अब आ गया PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 लैक्स। तो अब आ जाएगा टैक्स, टैक्स तो होना चाहिए 35%। तो 13 का 35% 4.55। तो CFBT 1, टैक्स 2, एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन SLM मेथड तो है, अच्छे से देखना, 20% पर एनम SLM। अब समझने की कोशिश करना बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। अब भाई लाइफ तो है 10 साल, पर डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल 20%, तो भाई 5 साल में तो मशीन की बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी। इधर तो डेप्रिसिएशन 1 साल, फिर 20%, फिर 20%, फिर 20%, और SLM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% लग जाएगा। मतलब 20 लाख का 20% कितना होता है, 20 लाख का 20% 4 लाख। यहां तो मैं तो कुछ और ही किया था, तो हर साल 4-4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 साल में खत्म हो जाएगा। 5 साल बाद तो डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये मैंने गड़बड़ काम किया है। सर तो आप कैसे करोगे बेटे, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल, यहां तक ठीक है, बस यहां लिख देता हूं ईयर 1 to 5। 1 to 5 का अलग ले लेते, 6 to 10 का अलग ले लेते, और हर साल डेप्रिसिएशन 20 लाख का 20% 5 साल तक 4 लाख, ठीक है।
ओके सर, तो बचा कितना? 11 लाख, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या माइनस होगा? टैक्स, टैक्स का रेट कितना है जी? 35%। तो 11 का 35% 3.85, ये होगा 2। तो अब सी एफ एटी आ जाएगा, 15 माइनस 3.85, ये तो आ गया 11.15, 1 माइनस 2। और अब सी एफ एटी और एक निकाल लेता हूं, कौन से 6 to 10 years का, ये 20 लाख ही रहेगा, ये 5 लाख ही रहेगा, तो ये 15 लाख, लेकिन अब डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा तो ये 15 ही रहेगा। और 15 into 35%, यहाँ 5.25 रहेगा। तो किसको 1 मान रहे थे? इसको माना था 1 और टैक्स को माना था 2। तो 15 माइनस 5.25 बेटे ये आ जाएगा 9.75 लाख। ठीक है, ये मैंने क्यों अलग अलग किया? सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से, एक अच्छा पॉइंट था, डेप्रिसिएशन हमने ध्यान ही नहीं दिया। वर्किंग कैपिटल का कोई चक्कर है नहीं, अभी भी देख लो भाई, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? नहीं। अभी सीधा सीधा क्या करें, एनपीवी निकाल लेते हैं। सर टेबल बनाएंगे की जरूरत नहीं बेटे, सीधा सीधा काम कर, कैलकुलेशन ऑफ एनपी, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीआई, कितना आएगा? 11.15 इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनओटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%, 1 divided by 1.10, 10% कितने साल का? 5 साल। 1 to 5 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 3.7908 प्लस 9.75 इनटू पीवीएफ, 10% का ही लेना है, 6 to 10 years का लेना है। 1 divided by 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी माइनस, इधर वाला माइनस कर देता हूँ, 3.7908, तो ये आ गया 2.3537 है ना, 8 ले लिया। और माइनस मशीन कितने की है? 20 लाख। देखते कितना आएगा एनपी, 11.15 into 3.7908, 9.75 into 2.3538 minus 20, आंसर आ रहा है 45.21 अप्रोक्स। Q2 ले लेते, क्या एनपीवी पॉजिटिव है? तो बस प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट should be accepted। तो बेसिक क्लासेस खत्म हुई, अब क्या करेंगे सर? तो अब अगली क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन, उसके क्वेश्चन बड़े सारे हैं प्रैक्टिस में, एक बार वो खत्म होता ना फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। थैंक यू।